नमस्कार दोस्तों, आपका धनवंतरि कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बरसात के मौसम में हमारे देश में ऐसी बहुत सारी या प्रदेश में ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां उगती हैं कि जिनका कोई हिसाब नहीं है, और कुछ जो है वो गर्मियों के मौसम में निकलती हैं और कुछ जो है ठंडी के मौसम में निकलती हैं। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही जो अच्छा विषय लेकर आया हूँ कि वो शुगर के ऊपर है, और शुगर की ऐसी जो ब्रांड है, ऐसा जो इसकी किस्म है, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, चौंकना नहीं, लेकिन ये हकीकत है। दोस्तों, कुछ ऐसे बहुत सारे जो नवयुवक हैं, इनमें ये ज़्यादा दिक्कत होती है। जो डायबिटिक है, जो डायबिटिक बच्चा है, या जिसको टाइप टू की शुगर है, जैसे कोई 27.5 साल का है, 30 साल का है, 35 साल का है, या इसको यूँ कह सकते हैं कि बिलो 40, यानी कि 40 साल से नीचे नीचे जिसकी उम्र है, उनको ये रोग जो है बहुत पाया जाता है, अक्सर मैंने देखा है। तो दोस्तों, उसी जो इस प्रकार की जो शुगर है, उसके बारे में मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं दो ऐसे जो शुगर हैं, जो शुगर की किस्म है, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि उनका जो शुगर का इलाज करने का तरीका है, जो ढंग है, वो बिल्कुल अलग है। उसमें दूसरे किसी प्रकार का, या जैसे बहुत सारे लोग मेथी दाना या करेले का जूस या आंवला जूस, या उसमें वो चीज़ें नहीं चलती हैं। तो दोस्तों, जैसे किसी प्रकार का जो ट्रीटमेंट है, अगर वो बीमारी के अनुसार किया जाए, तो दोस्तों वो हमारी बीमारी जो है वो जड़ से निकल सकती है। सबसे पहले मैं चलता हूँ दोस्तों, जो आपका एक लाला प्रमेह, यानी कि लाला शुगर, लाला प्रमेह जिसको कह सकते हैं, लाला प्रमेह होता है। तो आप ये चीज़ सुन के और हैरान हो जाएंगे कि ये जो लाला प्रमेह है, ये क्या है, इसकी पहचान क्या है, और इसका इलाज कैसे किया जाए। दोस्तों, लाला प्रमेह जो है वो क्या है, इसके अंदर, लाला प्रमेह के अंदर जब कोई व्यक्ति पहचान कर ले अपनी शुगर की, इस ढंग से पेशाब करने के बाद उसके पेशाब से लार निकलती है, यानी कि जैसे कोई भी व्यक्ति अगर पेशाब करता है, वो पेशाब करने के बाद उसको क्या होता है कि पतली सी धात जैसी या लार टाइप निकलती है पेशाब करने के बाद, और वो व्यक्ति जो है वो दिन प्रतिदिन, या जो व्यस्क है उसकी जो दिन प्रतिदिन जो है उसकी सेहत जो है गिरना शुरू हो जाती है, और वो परेशान हो जाता है। तो दोस्तों, इस बीमारी से निपटने के लिए आप परेशान न हो। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर एक और दूसरा जो प्रमेह है वो भी आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि वो दूसरा ऐसा कैसा प्रमेह हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है। अगर किसी व्यक्ति को इस ढंग की, ये इसके अंदर मैं दो प्रकार की डायबिटीज़ को लेकर आया हूँ, अगर किसी को इस प्रकार की डायबिटीज़ है, तो इस वीडियो को देख करके वो अपना इस रोग का निदान कर सकता है। तो दोस्तों, लाला प्रमेह के बारे में मैंने आपको पहचान बता दी कि लाला प्रमेह को कैसे क्या होता है। उसमें जैसे पेशाब के अंत में लार निकलती है, लार टपकती है, उसको लाला प्रमेह कहते हैं। तो लाला प्रमेह की जो इलाज है वो बिल्कुल बहुत ही आसान है। आप क्या करेंगे, कपास की मींग, यानी कि बिनौले, जो बिनौले होते हैं जिनको हम भैंसों को खिलाते हैं, तो बिनौले को लेकर के आप क्या करें, इसको छाछ में भैंस की जो छाछ होती है, लस्सी जिसको कहते हैं, अगर उस बिनौले को हम 7 दिन तक लगातार पीसते हैं, और उसके बाद इस दवाई का हम, जैसे इसका प्रमाण जो है वो है जितना चने के दाने के बराबर, या डबल चने के दाने के बराबर, या डॉलर जो चने का दाना होता है उसके बराबर आप इसका अनुपान कर सकते हैं, 2 टाइम इसको लेना होता है। तो इस लाला प्रमेह से आप जड़ से इसको ख़त्म कर सकते हैं, लाला प्रमेह को। ये बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है, एकमात्र उपाय है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि इस उपाय को आप ज़रूर करेंगे, और आपको अभी ये बताने जा रहा हूँ कि अगली जो शुगर की किस्म है, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, और ये भी बताऊँगा कि ऐसा बिनौले की मींग में क्या है, या उस लस्सी में क्या है, क्या रिएक्शन हुआ, वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो एक आपने बहुत सारे ऐसे लॉजिक नहीं देखे होते, या नहीं आपको पता होता है,
जिस प्रकार जो आपका हमारी जैसे आम की हम खटाई बनाते हैं, अगर उसको कांसे के पात्र में डाल दिया जाए तो वो कुशैली हो जाती है। यानी कि क्या हुआ, वो मेटालिक रिएक्शन हुआ और जिसकी वजह से वो एक किस्म का कुशैली होकर विषाक्तता को प्राप्त हो जाती है। यानी कि अगर आप उसको 2-4 मिनट के लिए रख देते हैं तो वो एकदम से ख़राब हो जाती है। तो उसी प्रकार ये जो आपका इसबगोल है, बहुत सारे लोग इसबगोल का प्रयोग करते हैं, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है कि इसबगोल भी जहर का काम करता है। कैसे, देखिए दोस्तों, अगर जैसे हम कोई भी व्यक्ति इसबगोल की भूसी का प्रयोग करते हैं तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसको पीस करके अगर पीसता है कोई, तो वो जहर के बराबर हैं, यानी कि जहर का काम करता है इसबगोल। इसबगोल बहुत सारी चमत्कारिक चीज़ है, बहुत सारा इसमें रोगों को निपटाने की क्षमता है इसबगोल की भूसी में। तो अगर इसको पीसता है कोई, अगर पीस के यूज़ करता है, तो समझ लीजिए वो जहर का काम उसने कर दिया। तो कृपया कभी इसबगोल को पीस के प्रयोग ना करें, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ इसको, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जिस प्रकार हम किसी चीज़ में इसको मर्दन करते हैं, जैसे अगर मैंने अभी आपको बताया कि बिनौले को भैंस के दूध के अंदर छाछ के अंदर अगर हम इसको पीसते हैं तो क्या होता है कि ये एक अलग से रिएक्शन पैदा करता है और उस प्रकार की डायबिटीज़ से आप निपट जाओगे, उससे बच जाओगे। तो दोस्तों, अगली जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ वो क्या है, घृत प्रमेह, घी का प्रमेह। अब आप हैरान हो जाएंगे कि ये घी का प्रमेह कौन सा रोग हो गया। तो घी का मतलब है घृत, इसको घृत प्रमेह कहा गया है शास्त्रों में। दोस्तों, घृत प्रमेह जो होता है उसकी पहचान भी सेम टू सेम लाला प्रमेह की तरह है। उसमें क्या होगा कि आपके जो पेशाब है, यूरिन है, उसमें जो दुर्गंध है वो घी की तरह आएगी, यानी कि उसमें जो स्मेल है वो घी की तरह आएगी। और इसकी जो मैंने जैसे आपको कहा कि ये घृत प्रमेह इसको कहते हैं, तो इसकी मैंने पहचान बता दी। अगर किसी व्यक्ति को अगर उसके पेशाब में मतलब उसके अंदर घी की स्मेल आती है तो उसे घृत प्रमेह कहते हैं। दोस्तों, मैं इसलिए ये वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि रोग कोई और होता है, रोग की वजह कोई और होती है और निदान कहीं और होता है या और ढंग से होता है, तो वो रोग जो है वो हम उसको नहीं मिटा सकते। तो दोस्तों, ये जो घृत प्रमेह है उसका इलाज जो आप कैसे कर सकते हो, इसका मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। घृत प्रमेह के अंदर आप क्या करें, त्रिफला चूर्ण, बेर की जड़, ध्यान से सुनिए, त्रिफला, हरड़ भेड़ा आंवला जिसके अंदर पड़ता है उसको त्रिफला चूर्ण कहते हैं या पाउडर कहते हैं, और बेर की जड़, सहजने की जड़, नीम के पत्ते और मुनक्का, ये आपने सभी चीज़ें बराबर लेनी है। और इसका आपने काढ़ा तैयार करके, जैसे आप सम भाग लेकर के इन सभी चीज़ों को, इसको आपने 1 या 1.5 चम्मच लेकर के आपने इसको क्या करना है, इसका काढ़ा तैयार करना है। और काढ़ा किस ढंग से तैयार करना है, मान लिया आप 1 शीशी का गिलास पानी का लेते हैं और उसको आप ये जो मैंने आपको जितने भी नुस्खे बताए, अपना ये चीज़ें बताई, इसको आप पीस करके थोड़ा सा मोटा मोटा कूट करके आप 1 से 1.5 चम्मच ले करके उस पानी के अंदर डाल दीजिए और उसको इस तरह बॉयल करें कि वो यानी कि क्या हो जाए, वो आधा गिलास रह जाए। और आधा गिलास जब रह जाए तो इस चीज़ को आप जब वो थोड़ा सा गुनगुना हो जाए या ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद उसको आप छान लें और छानने के बाद जैसे ही वो गुनगुना होता है तो उसको आप पी लें। और इस प्रक्रिया को आप दिन में 1 से 2 बार भी कर सकते हैं। अगर इस तरह का कोई डायबिटिक केस है जिसको घृत प्रमेह कहते हैं, तो दोस्तों वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ का आप ज़रूर उपयोग करें। और जैसे मैंने कहा कि लाला प्रमेह और घृत प्रमेह दोनों का ही अलग अलग इसका निदान है, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे वीडियो तब डाल रहा हूँ क्योंकि न जाने कितने ऐसे भाई हैं जिनको इस प्रकार की डायबिटीज़ है। तो मैं चाहता हूं कि अगर किसी भाई को, हालांकि इसमें एक और चीज़ होती है, बहुत सारे लोग वीडियो तो शुगर के ऊपर, डायबिटीज़ के ऊपर डालते हैं, लेकिन इस प्रकार के जो तथ्य हैं, इस प्रकार की शुगर की ब्रांड है, किस्में हैं, उसको नहीं बताते हैं। और
जो दूसरे प्रकार के निदान हैं वो चलते रहते हैं और उन व्यक्तियों को फ़ायदा नहीं मिलता है। तो दोस्तों, मैंने घृत प्रमेह और लाला प्रमेह दोनों का ही आपको इलाज बताया, और मुझे उम्मीद है दोस्तों अगर किसी भाई को ऐसी दिक्कत है तो आप इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये जो वीडियो है उस व्यक्ति तक, उस भाई तक जरूर पहुंचे। और मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आपका हमारा वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।